हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है CDSL और दूसरा है हैप्पीएस्ट माइंड। दोनों ही मिड कैप कंपनी है। इनके बिजनेस मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस करेंगे कि कहाँ अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, वेट करना चाहिए, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये भी जानेंगे कि कहाँ चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, जैसे चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, पहले ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल कैसे पहचानी जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार तरह के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और RSI में डाइवर्जेंस देखने के बाद हम किसी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो दोस्तों, डिटेल से एनालिसिस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि इन्वेस्ट करने का आपका नजरिया बदल जाएगा। अब दोस्तों, कंप्लीट जैसे विप्रो और टेक महिंद्रा के बारे में कंपैरिजन किया कि किस में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और नेक्स्ट 3 ईयर के लिए कौन किस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए अपने को, ऐसा नहीं कि 55% पे डाउन है अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, हमने डिटेल से एनालिसिस किया है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पे। ये दोस्तों CDSL का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। CDSL डिपोजिट सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस है दोस्तों। जो अपन स्टॉक बाय करते हैं तो ये CDSL के पास ही जमा होते हैं। दो एक्सचेंज होती है, एक तो CDSL है और दूसरा NSDL है। तो मार्केट में लिस्टेड केवल कंपनी CDSL है। तो दोस्तों, आने वाले समय में जिस तरह से डीमेट अकाउंट बढ़ेंगे तो अपन CDSL का ही बिजनेस मॉडल बढ़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हो कि बहुत ही बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट रीड करने के लिए बेसिक चीज होती है, आपको सबसे पहले ट्रेंड पहचाना जाता है। तो ट्रेंड पहचाने के लिए तीन ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक तीसरा होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है, अप ट्रेंड देखिए, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, मार्केट में लिस्टेड हुई थी June 2017 में। उसके बाद में दोस्तों एक राउंड मतलब करेक्शन फेज में थी, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कोविड के बाद में ब्रेकआउट होने के बाद में उसने अप ट्रेंड दिखाई दिया। तो अप ट्रेंड का क्या है दोस्तों, ये वीकली चार्ट है दोस्तों, अब इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ एक बार। इसको देखिए, अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे एक टॉप बनाया और उसको बाद में पहले वाला लोअर टॉप बॉटम हो गया, उसके बाद में ये उससे पहले हायर टॉप हो गया, पहले वाला जो बॉटम था उससे पहले ऊपर वाला बॉटम हायर बॉटम हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और ऊपर की तरफ हायर टॉप बॉटम बनते गए। उसके बाद में ये एक रेंज बाउंड एरिया के बाद में ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जाते हैं। मान लीजिए ये टॉप बना, उसके बाद में ये लोअर टॉप बना और ये लोअर बॉटम बन गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम बने, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, पहले वाला एक दोस्तों ध्यान रखना कि कभी कोई स्टॉक ब्रेक मतलब अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहता है तो पहले जो टॉप होता है या बॉटम होता है उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ये ऊपर तक नहीं जा पाया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके और यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते गए। पहले हमने डिस्कस किया था, तो दोस्तों इसमें एक ट्रेड लाइन थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको ये सपोर्ट ले रहा था और हमने डिस्कस किया था कि इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर बाद में इसमें दिक्कत आ जाएगी। और अब इसको ट्रेंड को देख के अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों नहीं बन रही है, ध्यान रखना। ट्रेंड को देख के कब अपॉर्चुनिटी बनेगी, थोड़ी ऊपर की तरफ हो सकता है, लेकिन पहला रेजिस्टेंस तो ये रहेगा मेजर 1080 के लगभग। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये एक सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न होता है दोस्तों, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक कौन सी होती है उसके बारे में ये देखिए दोस्तों। ये कैंडलस्टिक कौन सी बनाई है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होती है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक ट्रेंड होना चाहिए पहले, ट्रेंड होने के बाद में ये हमेशा बॉटम में बनती है। बॉटम में तो किस तरह से बनती है, इससे पहले एक रेड कैंडल होनी चाहिए, जैसे ये डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड होने के बाद में ये देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में एक रेड कैंडल बनी और ये डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी। अगर ये तीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसको ब्रेकआउट कर देता है जिस फॉर्मेशन बनता है तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ देखो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कहाँ बनती है, ये टॉप में बनती है, टॉप में बनने के बाद में नीचे की तरफ ये इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आई है। इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, देखिए इस कैंडल स्टिक को बोलते हैं बुलिश इनगल्पिंग कैंडल, मतलब पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया। इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डार्क
नहीं, इसको बोलते हैं बियर्सिंग इनकल्पिंग कैंडल, मतलब पहले वाली को पूरा का पूरा इनकल्प कर लिया, टॉप में बनती है ये। अब इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये देखो हैमर बना है एक अच्छा, और ये इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन वही है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ छोटी कैंडल बनती है और उसमें डोजी बन जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन, मतलब पहले वाली कैंडल को इससे क्या होती है, टॉप में बनती है और एक ऊपर की तरफ ट्रेंड होगा। ऊपर के ट्रेंड होने के बाद में पहले जो ग्रीन कैंडल होगी उसको 70-80% इसको कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद में नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। ये दोस्तों शूटिंग स्टार, अगर इसको बोले तो बॉडी इसकी थोड़ी ज्यादा हो गई, नहीं तो शूटिंग स्टार हम बोल सकते थे। इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, वही फॉर्मेशन आ गया, डोजी कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी और फॉर्मेशन कंप्लीट होकर ऊपर की तरफ चला गया। अब देखिए इसमें क्या देखा, एक तो डोजी कैंडल बनी है, दो तीन डोजी कैंडल बनी, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बन गया। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ऊपर की तरफ देखिए, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है दोस्तों, हैमर होता है ना उसका उल्टा हो जाता है, बॉटम में ही बनता है, और इसको जो लाइन होती है उसको ब्रेकआउट करना चाहिए। तो ट्रेंड रिवर्सिबल कैंडल आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको और देख, ये देखिए, ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये देखिए शूटिंग स्टार टॉप में बनी है, आपको और दिख रहा है। अगर आपको कोई एक टाइम फ्रेम में कुछ नहीं दिखाई दे तो दूसरे टाइम फ्रेम में चेंज करके भी देख सकते हो। अभी अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें तो ऐसी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बन रही जिससे कि ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही हो। अगर बड़े टाइम फ्रेम में और देखें इसको तो यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा पैटर्न बना था, यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। वही फॉर्मेशन देखो, ट्रेंड रिवर्स होता है तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन और एक शूटिंग स्टार कैंडल, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, ये कैंडल स्टिक बहुत बनती है, तो इन कैंडल स्टिक को अपने को ध्यान रखना है। तो अपने देखा कि ट्रेंड देखा, कैंडल स्टिक देखी, कैंडल स्टिक दोनों में ही अभी ट्रेंड आप इस स्टॉक में लेने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अब दोस्तों देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह, चार तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से होती है ये देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, इसने देखो ब्रेकडाउन भी किया है, रिटेस्ट करके फिर निकला है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसने सपोर्ट क्यों लिया, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर दिया। और इधर भी देख लीजिए, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जो छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी चीजें हैं, ऊपर की तरफ गया, ऊपर रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट कहाँ किया, पहले देखिए ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। नीचे आया, नीचे ये भी देखिए, नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट लिया, पहले रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट का काम किया। ऊपर की तरफ आके यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो यहाँ सपोर्ट कौन सा लिया, पहले यहाँ पर देखो ये कैंडल बनी थी, ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई थी, वो सपोर्ट ही काम किया। तो ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड लाइन का। ट्रेड लाइन का क्या होता है दोस्तों, ट्रेड लाइन ये एक अच्छी ट्रेड लाइन को आपको ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा चाहता है कि मैं ज्यादा लपड़ में फंसना नहीं चाहता, एक इसको मतलब इस ट्रेड लाइन, मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक, ये अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो ये ट्रेड लाइन है, एक बार टेस्ट किया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार नहीं किया इसको, और ये इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट कर देगा तो इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ट्रेड लाइन को आप इसका एक देख सकते हो। ठीक है, इसमें दोस्तों एक पैटर्न भी बन रहा, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिससे कि आपको चार्ट को, पहले दोस्तों एक पैटर्न बन रहा था, कौन सा पैटर्न बन रहा था उसके बारे में हमने पहले डिस्कस की। ये देखो ट्रेड लाइन के, ये ट्रेड लाइन थी, ये ट्रेड लाइन को इसने, ट्रेंगल पैटर्न था दोस्तों, इसने देखिए अब इस ट्रेड लाइन को आप मानोगे नहीं, ये देखिए, ये देखिए इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर इसने देखो पहले सपोर्ट कितनी बार लिया, एक दो तीन चार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ, ये ऊपर वाली ट्रेड लाइन है उसका इसने रेजिस्टेंस लिया है, इसका रेजिस्टेंस लेके और फिर नीचे की तरफ आया है, तो ये ट्रेड लाइन ट्रेंगल पैटर्न बना। ट्रेंगल पैटर्न को देखो ब्रेकआउट नहीं किया और ऊपर बाद में, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अभी तक इसमें करेक्शन ही दिखाई दे रहे, और ये यहाँ पर देखो रिटेस्ट भी किया। दोस्तों अलग अलग ट्रेड लाइन होती है, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में जो कौन सा इस ब्रेकडाउन किया, पहले सपोर्ट था ये यहाँ पर, उसको ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट करके फिर निकल गया। तो ट्रेड लाइन को देख के इसमें देखो दो तीन तीन तरह की ट्रेड लाइने बन रही है, तो इसमें आपको ये जो हमने इसका तो ब्रेकडाउन कर दिया, अब इसका तो कोई ज्यादा मतलब नहीं रहा, लेकिन जो पहले ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी आपने, ये देखो ये जो ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, इस ट्रेड लाइन को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ तो इसमें बाद में अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देखेंगे।
अब बात करते हैं RSI में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। हमें हर चीज देखेंगे दोस्तों, चार्ट को अप्रोच देने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही नहीं होता, बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपको सबको पता होगा, तो मतलब सारी चीजें पता होगी, तो कोई ना कभी कोई सा काम कर लेता है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम कर लेता है, कभी कोई किसी का कर लेता है। तो इस तरह से दोस्तों टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो हमने कैंडल स्टिक की सीरीज चला रखी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, तो आप उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके देख सकते हो कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है। ये देखिए, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और ये RSI में देख पाओगे आपकी RSI में डाइवर्जन नीचे की तरफ था, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो क्या RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? RSI में थोड़े बहुत डाइवर्जन इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ भी दिखाई दे रहा है और RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो आप अभी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं इसको टाइम फ्रेम को अगर मैं, हाँ डेली टाइम फ्रेम ये, लेकिन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न तो देखो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ से ही डाइवर्जन दिखाई, ये दोनों में से प्राइस का मूवमेंट ऊपर था ना, तो यहीं से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, ये देखिए। और लेकिन प्राइस का मूवमेंट तो ऊपर की ओर और गया था। तो इस तरह से देख सकते हो कि RSI को देख के अपने को ट्रेड नहीं लेना होता, लेकिन RSI को अलर्ट हो जाना कि इसमें मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इस ट्रेड लाइन का भी आपको ध्यान रख सकते हो। नीचे की तरफ अगर देखें तो इस ट्रेड लाइन का देखो दो तीन बार इसने सपोर्ट लिया है, ये छोटा सी है जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट बार बार नीचे आएगा, तो यहाँ पर भी ये एक बार दो बार तीन बार सपोर्ट लेगा, एक बार दो तीन बार सपोर्ट लिया तो ये दोनों ट्रेड लाइनों के बीच में रहेगा। पहले वाली ट्रेड लाइन थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये देखिए इन दोनों ट्रेड लाइन दोनों ट्रेड लाइनों के ये बीच में चल रहा है, अभी जिधर ही ब्रेकआउट है उधर ही हमें पॉसिबिलिटी बनाएंगे। अब लास्ट में बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ एग्जैक्ट कहाँ करनी है। अभी प्राइस है 9780 के लगभग, क्या अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं? तो ये देखते हैं दोस्तों, ये देखोगे तो देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, एक बॉटम और टॉप को मिला देते हैं, पहले सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरी बार यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं लिया, अभी यहाँ पर प्राइस अगर दोस्तों 900 के लगभग आती है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्यों देखेंगे? एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो 950 के लगभग आ रहा है, लेकिन एक इसका दोस्तों सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर कौन सा सपोर्ट बना हुआ है ये देखिए, एक इसने पहले एक बार ये देखो सपोर्ट, तो ये इस लाइन तक आ सकता है, मतलब 950 तक आ सकता है। यहाँ से अगर पहले 950 से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है दोस्तों। अभी तक हमने पहले, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को, कि हमने पहले ये भी बोला कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, तो भी अभी देखो दोस्तों कहां तक आया है, और अभी भी बोल रहे हैं कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको वेट करना है। अब समझ लो कोई चार्ट में चेंजिंग हो जाता है, कोई कैंडलस्टिक बन जाती है, अभी वीडियो बनाया तो दूसरे दिन तो पॉसिबल है नहीं एक ही स्टॉक का बनाना, तो इसके लिए हमने दोस्तों टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, फ्री में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें कोई चार्ट में जैसे चेंजिंग होता है तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो जाके। तो यहाँ से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, देखिए छोटे छोटे डबल बॉटम भी बन रहे हैं, डबल बॉटम कैसे बन रहे हैं ये देखिए, डबल बॉटम अगर रिवर्स यहाँ से होता है तो डबल बॉटम यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ से 1000 के लगभग ऊपर की तरफ मूवमेंट जाएगा। तो अभी वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर 950 के लगभग मिलता है तब अपन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें की जा सकती है। अब दूसरा स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड ने दोस्तों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, 150 रुपए का, कितने का था, 300 रुपए का स्टॉक 1500 गया, मतलब 5 गुना इसने रिटर्न दिया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में करेक्शन में है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बिजनेस मॉडल बहुत ही IT सेक्टर की बेस्ट, अगर मिड कैप कंपनी की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड है दोस्तों। आने वाले समय के 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ कर सकते हो, हमें पहले भी डिस्कस किया कि कहाँ का बाइंग अपॉर्चुनिटी, हमने 820 के लगभग किया था उस टाइम, जनवरी में वीडियो बनाया था तब किया था कि यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो क्योंकि मेजर सपोर्ट है, फिर ऊपर की तरफ गया, ये भी ट्रेड लाइन का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना है, ट्रेंड कैसे पहचानोगे, हायर टॉप हायर बॉटम, 3 ट्रेंड होते हैं, बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें पहले स्टॉक में कर लिया। अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो दोस्तों ये देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते गए, इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते गए, ऊपर की तरफ गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया, फिर वापस नीचे आ गया, हो सकता है इसको ये ब्रेकडाउन कर भी दे, ठीक है। कहां तक आएगा इसमें दोस्तों, एक बाद में कैंडलस्टिक देख लेते हैं, पहले कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडलस्टिक कहां हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। ट्रेंड में देखा तो ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर बन रही है, कहां पर, अगर बॉटम में आप बाइंग करना चाहते हो तो कितनी प्राइस है, लगभग 800 के लगभग आ सकता है। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ रिवर्स हुआ था तो डोजी कैंडल बनाएंगे, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनेंगे।
अभी यहीं देखो, यहीं से एक कंसोलिडेट फेज में कब का है, कब देख सकते हो आपकी ये दिसंबर से एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, ठीक है। ये अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, एक दिन गया भी था, लेकिन ये देखो शूटिंग मतलब ये बना दिया इसको, इन्वर्टेड हैमर बना दिया इसको, ठीक है, बॉटम में बनता था इन्वर्टेड हैमर, लेकिन ये गया कहाँ तक है, ट्रेंड लाइन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो कैंडल स्टिक और देख सकते हो आप, देखिए यहाँ डोजी डोजी टाइप में कैंडल बन गई, ये डोजी दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ पर डोजी डोजी टाइप की कैंडल बनी है तो समझ जाना यहाँ पर कुछ ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। तो इस तरह से आप कैंडल स्टिक को देख सकते हो। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो कहाँ पर, पहले ये छोटे छोटे सपोर्ट तो है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था नहीं, यहाँ पर तो किस लिए लिया था, पहले रेजिस्टेंस था। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, वैष्णो देवी का एग्जांपल याद रखिए, दिमाग में आपको याद रह जाएगा कि हम जाते समय चढ़ाई पर रुकते हैं तो आते समय भी रुकेंगे, तो जाते समय जहाँ पर रुक रहा है तो आते समय नीचे भी स्टॉक रुकेगा जरूर। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ नीचे आया तो पहले सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ सपोर्ट क्यों ले रहा है, पहले सपोर्ट लिया तो पहले सपोर्ट का काम करता है। दोस्तों सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का भी काम करता है, चार चीजें होती है, उस चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक अभी डोजी टाइप में कैंडल स्टिक बन रही है, अगर वीकली में देखो तो कोई कैंडल स्टिक बन रही है। अब देखो वीकली में दोस्तों एक डोजी, ये इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप में कैंडल बन रही है। दूसरी चीज इसमें दोस्तों एक डबल बॉटम भी बन सकता है यहाँ आके, और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ये डबल बॉटम बनेगा, डब्लू पैटर्न भी होगा, डबल बॉटम डब्लू पैटर्न कब ब्रेकआउट होगा, तब 1100 के अगर होगा को ब्रेकआउट करेगा तब इसमें मूवमेंट दिखाई देगा। वहां पर देखो चीज होती है, एक तो ट्रेंड चेंज होगा, दूसरा डबल बॉटम का होगा, डब्लू पैटर्न होगा, तीन चार चीजें होगी, दूसरी एक अपने ट्रेड लाइन भी होगी, अगर ट्रेड लाइन का भी ये सपोर्ट लेगा। कौन सी ट्रेड लाइन है दोस्तों, ये देखिए, ये इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है दोस्तों, ये देखो एक बार लिया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, इस तरह से इसने ले, इस ट्रेड लाइन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन कर ले तो मान लेना ट्रेंड चेंज हो गया, उससे पहले दोस्तों नहीं होगा। इसमें एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों, उसको हम पैटर्न को बोलते हैं दोस्तों फ्लेग पैटर्न। किस तरह से फ्लेग का, जैसे मान लीजिए फ्लेग होता है तो एक तो ये पोल हो गया, ठीक है, फ्लेग हो गया, पोल हो गया, ये फ्लेग हो गया, ये पोल हो गया पूरा, और ये फ्लेग हो गया, ये पूरा पोल हो गया, ये फ्लेग हो गया, ये पोल हो गया, ये फ्लेग हो गया, तो ऊपर की तरफ आएगा मूवमेंट, फिर बाद में होगा। दोस्तों फ्लेग जो फ्लेग पैटर्न होता है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, एक बार बन जाता है तो बार बार बनता है, आप देख सकते हो इसमें ये बार बार बन रहा है, तो अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले दो तीन साल के लिए, चार साल के लिए, पांच साल, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आईटी सेक्टर की जो मिड कैप कंपनी है उनमें सबसे बेस्ट कंपनी ये हो सकती है आप, और बाइंग अपॉर्चुनिटी आधी प्राइस में मिल रहा है, 50% से ज्यादा करेक्शन हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, अगर 800 के लगभग करे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर लेना। दूसरी चीज उसको ऊपर की तरफ जाए, ध्यान रखना कि कोई कैंडल स्टिक देखो जैसे हमने डिस्कस किया था, जरूरी नहीं यहीं एग्जैक्ट ही आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी दोस्तों हो सकता है। शूटिंग स्टार के ये जो डोजी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर भी बना है यहाँ पर, और अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख लेते हैं कहां पर इसके एग्जैक्ट आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों अब कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, ये देखिए एक बार सपोर्ट इसमें ऊपर की तरफ देखिए, पहले ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट कहां लिया था 50% पर लगभग सपोर्ट लिया था, नीचे ब्रेकडाउन किया 61% पर इसने सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर सपोर्ट कहां मिला है, एक तो ट्रेड लाइन आ रही है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन का आ रहे हैं। दोस्तों इतना बात कंफर्म होने के बाद में अगर कोई ट्रेड नहीं लेता तो फिर बाद में कोई कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये देख सकते हो, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया था बार बार, इसलिए क्योंकि आप इसमें ये देखिए, इसमें बहुत ही बेस्ट स्टॉक दोस्तों यही है, ये देखिए इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, दूसरा ट्रेड लाइन हमने डिस्कस कर लिया, ट्रेड लाइन आग ड्रॉ और कर देता हूँ अगर कोई, ये देखिए इन चीजों को अगर इसको ब्रेकआउट, पहले आपको यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, यहाँ तो ब्रेकआउट होने के बाद पहले बाद में पता चलेगा, इसको ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा, सस्टेन कर लिया तो मान लेना ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आप धीरे धीरे एक्युमुलेट कर सकते हो इसमें। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, मैं अभी इसमें बाइंग में थोड़ा वेट करूंगा, अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन के फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगी तब इसमें मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर दूंगा। अभी तक दोस्तों मैंने इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक ही स्टॉक बाइंग नहीं किया है, तो दोस्तों सही एग्जैक्ट टाइम पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, अदरवाइज अगर 5-10 रुपये महंगा मिले लेकिन
आपको ट्रेंड अब देखिए कब, अगर किसी ने जुलाई 21 में, लगभग 2 साल होने वाले हैं, अगर पहले टॉप में बाई कर लिया तो दोस्तों कोई मतलब नहीं। अगर दोस्तों आपके स्टॉक में पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो सबसे बेस्ट बात है आपने रिसर्च करके और फिर बाद में स्टॉक को बाई किया। अगर नहीं मिल रहा तो दोस्तों सही आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है उसको, नजरिए को चेंज कीजिए और सही एग्जैक्ट टाइम पर उसको बाई करने की कोशिश करिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों हम लाते रहते हैं जो एक बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग हो, और टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस करते हैं किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में हम वीडियो ऐसे लाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, आप इतना ही कर सकते हो कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे कि, और फिर बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।